इतने गैर जिम्मेदार इंसान को मैं अपने ऑफिस में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैम प्लीज, हेलो, क्या हुआ सुहेल को? मैं भी आती हूँ। मैम सब कह रही थे ना, सुहेल साहब तो ठीक है। मैं अकाउंट्स में कहकर जा रही हूँ कि जो भी तुम्हारा हिसाब है वो क्लियर कर दे। दोबारा मुझे मेरे ऑफिस में दिखाई दिए तो थाने में बंद करवा दूंगी। मैम प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज एक दफा। आइंदा यहाँ रहोगे तो कुछ होगा ना, दोबारा दिखाई मत देना। प्लीज मैम, मैम कैसी घमंडी हो रहा है। तभी तो सुहेल साहब बेचारे के राजे दिमाग रहते हैं, जिसकी ऐसी बीवी हो उसका हो भी क्या सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने एक अच्छा फैसला किया। तुम दोनों की पार्टनरशिप होगी, दोनों साथ था हो जाओगे तो। एक सेकंड पप्पू, अगर आप ये सोच रही हैं कि ये फैसला मैंने किसी मकसद के तहत किया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज पप्पू आप ऐसा सोचिएगा मेरी। ऐसी कोई बात नहीं है जूबी, मगर तुम मुझे तुम्हारा अच्छा चाहने से, तुम दोनों के अच्छे नसीब की दुआ मांगने से तो मना नहीं कर सकती। अरे पप्पू मत उठो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही। नहीं पप्पू बस थोड़ा सा फीवर हो रहा है, ठीक हो जाऊंगी, रेस्ट करूंगी। तो क्या बात है अम्मी, आपने मुझे अचानक से ऑफिस से बुला ली। बेटा जूबी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसे बुखार हो रहा है, शायद ठंड लग गई है इसे। मम्मी आप ले जाती ना इसे डॉक्टर के पास, मुझे ऑफिस से बुलाने की क्या जरूरत थी। मुझे लगा खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत खराब हो गई। बेटा एक तो मुझे अच्छे डॉक्टर का पता नहीं है, दूसरे रात से पता नहीं मेरी टांग में एक अजीब सा दर्द हो रहा है, ना ज्यादा देर बैठा जा रहा ना खड़े हुआ जा रहा है। तो ठीक है फिर आप भी हमारे साथ चले, मैं आपका भी चेकअप करवा दूंगा। नहीं अभी मुझे रहने दो, इसे ले जाओ, मैंने पेन किलर ले लिया, ठीक हो जाएगा मेरा दर्द। अब पप्पू मैं ठीक हो जाऊंगी, नॉर्मल फ्लू और टेम्परेचर है, ऐसा कोई बड़ा मसला भी नहीं है। अब आप एक काम करें, आप चली जाएं, कहिए ना कि रात में आपका दर्द बढ़ जाए, प्लीज। या पहले आप लोग डिसाइड कर लेंगे किसको डॉक्टर के पास पहले जाना है, क्योंकि मुझे ऑफिस भी वापस जाना है, रास्ते में ट्रैफिक भी है, पूरा दिन आने जाने में निकल जाएगा। जूबी मैं कह रही हूँ ना, चलो आओ, तुम चलो डॉक्टर के पास। पप्पू मगर मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, हद है यार, जिसने आना है वो आ जाए, मैं गाड़ी में बाहर वेट कर रहा हूँ। चलो शाबाश, उठो। वो जाने देना, मैं कुछ कह रही हूँ ना तुम्हें बेटा, आ जाओ मानते हैं बात। तैमूर आपकी शर्ट गंदी हो गई, आप मुझे देते मैं धो देती हूँ।
थोड़ी देर में सूख जाएगी। तुम भी तो वही दो दिन से कपड़े पहनी हुई हो। मेरे कपड़े ठीक है? आप वो ऑफिस गए थे? ये तुम्हारे लिए, अपने लिए भी ले लिया। शुक्र है कि ये सारी चीजें मैंने ऑफिस में ही रखी हुई थी, घर पे नहीं थी। कितनी अजीब सी बात है कि जो चीजें पुरानी हो जाती हैं हम उन्हें इतनी हकारत से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन फिर वही चीजें हमारे मुश्किल वक्त में हमारे काम आती हैं। ऐसा ही है। तैमूर, मैं वो सोच रही थी कि हम कब तक इस होटल में रहेंगे। हम क्यों ना मेरी ज्वेलरी बेचते और कोई रेंट पे अपार्टमेंट या कोई घर ले लें। अभी ऐसी नौबत नहीं आई। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिससे हम कोई छोटा मोटा फ्लैट रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन तुम प्लीज परेशान मत हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ एजेंट के पास, इंशाल्लाह शाम तक कोई ना कोई ठिकाने का बंदोबस्त हो जाएगा। जाने क्या मेरी जरूरत है, आंख भर के देख लो तुझको, बस यही मोहब्बत है। तेरा मेरा साथ जो होगा कितनी चाहती।